सरकारी हाई स्कूल कोटली शादुल्ला में दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार और महंत राजेश पिट्टू मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा समाज सेवक नरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश खजूरिया सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहनी चाहिए। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कृष्णा क्लब खेड़ की तरफ से जीता गया, जबकि महिला वर्ग में लवली यूनिवर्सिटी की टीम ने मुकाबला जीता। अज का जोड़ा प्रोग्राम है ये जी कबड्डी टूरनामेंट चल रही है, ये अज की नहीं चल रही है, चार पाँच साल की एक मुहिम चलाई दी है डी बी पी स्पोर्ट्स क्लब के जोड़े चेयरमैन अपने सुदेश जी। तो असं चाहते हैं कि यहोजे प्रोग्राम हर साल होंगे रहन, पहले भी होंगे रही तो अगे भी होंगे रहनगे। तो एक अवेयरनैस है यूथ न कि जोड़ा यूथ ड्रग्स लिए जोड़ा अज का दौर जो चिट्टे का दौर चल रहा उस ड्रग्स के दौर को दूर करने वास्ते ये यूथ वास्ते एक अवेयरनैस है कि नशे को दूर रहन तो स्पोर्ट्स वाली साइड देखते रहन। ये जेड़े साडे शहीद होए दे साडे पिंड दे साडे इलाके दे जेड़े नौजवान जेड़े ये उन्दी याद दे विच टूरनामेंट कराई जाती है ते हर साल ये टूरनामेंट होंदी चाहीदी है। ते इहदे नाल ही मैं अपनी वाणी नूं विराम दिंदे जय हिंद जय भारत। जो मेरा गांव है कोटली शाहदुल्ला, ये पूरा एक एक बच्चा इसके साथ जुड़ा हुआ है और हमारे जो नेता हैं, मुझे गर्व होता है कि मैं आरसपुरा की धरती पर पैदा हुआ और कोटली शाहदुल्ला का रहने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड और पॉलिटिक्स अलग अलग पार्टीज के आप देख रहे हो, कोई कांग्रेस का बीजेपी एनसी पीडीपी सभी नेता एक ही मंच पे हैं और इसका योग जो श्रेय है हमारे शहीदों को जाता है जिन्होंने इस देश के लिए अपने सीने पे गोलियां खाई और उन माताओं को जिन्होंने 22-22 साल के अपने बच्चे खो दिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सल्यूट और धन्यवाद करता हूं हमारे बड़े भाई राजेश बिट्टू जी को, चेयरमैन साहब को और हमारे मंदिर कमेटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सभी शहीद डीबीबी जो स्पोर्ट्स क्लब है उसकी तरफ से ये कबड्डी का जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें खाली जम्मू से नहीं बाहर की स्टेटों से भी लोग आए हैं, बच्चे खेलने के लिए आए हैं। ये सारा श्रेय जाता है हमारे डीबीबी क्लब को, सुदेश जी को, जिनका एक ही मोटिव है, दो मोटिव हैं, एक तो प्लेयर्स में और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना, क्योंकि इनका सारा काम जो देशभक्ति को लेकर होता है। दूसरा, हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो बच्चा, हमारे जो यूथ हैं, उनको नशे से दूर रखना, ये बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि जो बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़ेगा वो कभी नशे की तरफ नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। और इसके लिए हम डीबीबी क्लब का, खासकर सुदेश जी का और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से हम साथ दे रहे हैं और इनका हम जी थे जिन्होंने ये कहा था कि आरसपुरा की धरती के अंदर शहीद भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, वो सारा श्रेय जो है शशि जी को जाता है। और आज चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा योगदान, जो हमारे बीडीसी के चेयरमैन हैं उनका रहा, नरेंद्र जी हैं, पप्पू जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, तो मैं समझता हूं कि पंजाब से लोग और खासकर ये बच्चों के लिए, बच्चियों का जो यहां पे प्रदर्शन हुआ वाह कमाल था। और ये लगता था कि जो सपना खेलो इंडिया के तहत इस सरकार ने सोचा है, जो सपना हर घर में खेलने वाले बच्चे निकलें उसको बढ़ावा देने के लिए शशि जी का बड़ा योगदान रहा। और पंजाब तरन तारण से, अमृतसर से और जम्मू की टीमों को जो बढ़ावा जहां दिया गया, शाबाशी दी गई, उसके लिए बहुत बड़ा साधुवाद पूरे आयोजक और संयोजकों को है। और जो शहीदों के नाम से चुना, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य था।